सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। गाइस ये सब जा रहे हैं ऋषिकेश, मेरा हो गया कैंसिल। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी उठाओ बस, फ्रेश वगैरह होके बाहर जाते हैं चाय पीना, फिर करते हैं सनी को फोन, फिर मिलते हैं आपको चाय पे। तो गाइस रेडी हो गया हूँ मैं, ब्रश भी रख लिया, फेस वॉश कर लिया, अब चलते हैं सनी के घर, मिलते हैं हम आगे। तो अब जा रहा हूँ सनी के घर, उसको उठाएंगे, फिर जाएंगे चाय पीने। आज मौसम बहुत गर्मी है, ठंड नहीं है, गर्मी वाला मौसम है बहुत ज़्यादा। बाकी ये खड़ी मेरी स्कूटी ब्लैक एक्टिवा, ये लगाई हमने चाबी, ये मेरा पर्व। अब चल रहे हैं सनी के घर, हो जाए स्टार्ट, हो जा हो गई। सनी अगर मेरी सामने वाली गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस पहुंच गए हम सनी के घर, ये खड़ी उसकी ऑडी R8, ये खड़ी उसकी निंजा, और ये खड़ी उसकी हार्ले। आ जा, कितनी देर में आ रहा है, तेरी कलेक्शन दिखा रहा था सारी। सनी आ रहा था मुझसे आपको मिलवाते एक बार दोबारा। ये आ गया सनी, ये जो तेरी सारे व्हीकल्स खड़े हैं ना, सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने सबको। ये तेरे सारे 1-2-3 खड़े हैं ना स्पोर्ट्स, वो नहीं, यही बहुत है यार इनके लिए। एक ये विंटेज स्कूटर भी दिखा दिया, ये हमारे दीपांशु जी की स्कूटी खड़ी है, गोल्डन एक्टिवा। अब हम चल रहे खान पे चाय पीने। तो सन्नी तो वे कैमरा सीधा करो, ले लो, क्या कहना चाहोगे आप? आज बड़ा क्रेजी डे है, आज सारे हमने शॉपिंग करने, क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश। और रात को कितने बजे घर आए थे? रात को भागे थे, तू लगा कितने बजे आए थे? 12:30 ऋषिकेश जा सकते हैं। हमने इसका तो कंफर्म है, मेरा अभी थोड़ा 50-50 है, बाकी देखते हैं। फिर भी मैं अपने कटिंग करा लूंगा, बाल हो रहे बहुत बड़े, बाई चांस जाना पड़े तो एकदम बंदा सही लगना चाहिए ना, ब्लॉगिंग करनी है वहाँ, तो देखते हैं। अभी 50-50 चांसेस है, फिलहाल हम जा रहे हैं खान पे चाय पीने, आपको मिलते हैं हम चाय की चर्चा पे। ये देखो, ये भी आ गया चाय पीने, सुबह उठते ही सारे चाय पीने आते हैं यहाँ पे खान बाबा में। ये पहले से बैठा हुआ था बल्लू, हाय बल्लू, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इधर से खाना है ना, वहाँ पे चाय पीने, चारों चाय पीने आ गए। ये चाय पड़ी हमने ऑर्डर करी, मैं मंगवाई रहा है, ये अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, वहीं आएगा, कहीं पर लेंटर वेंटर डालना है इसकी बिल्डिंग का, तो ये वही बात कर रहा है। हाँ, देखो सुबह सुबह चाय पीने आते हैं, ये चाय ऐसे कर लो से, गुड मॉर्निंग, नहीं फोन नहीं है क्यों, पापा ने मार के भेजा सुबह सुबह हैं। चलो मिलते हैं आफ्टर चाय। जो हमारा ऋषिकेश का प्लान बन रहा है उसमें ये जा रहे हैं भाटिया, बल्लू, चारू, सन्नी, इनका तो बिल्कुल 100% कन्फर्म है, बट मेरा 50-50, बट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी जाऊँ। नहीं, अभी 50-50 है, अभी काम हो सकता है, इसलिए मेरा अभी कच्चा पक्का।
तो देखते हैं दोपहर तक कंफर्म हो जाएगा आफ्टरनून तक। तो मैं जा रहा हूँ भाई को गाड़ी देने, वो रात को आया था लेट हो गया था तो उसने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी थी मेरे घर और वो अपने फ्रेंड के साथ चला गया था दिल्ली। तो बस वो थोड़े रस्ते तक आ रहे हैं, उसे क्या फ्रेंड को गाड़ी देनी है जो यहाँ पे रहता है, वो दिल्ली जा रहा है तो उसको वहीं गाड़ी दे देगा क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं है, दिल्ली रहता है। तो बस वो अब गाड़ी देने जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा। फ़ोन कर रहे हैं बट उसने अभी फ़ोन पिक नहीं किया उसके फ्रेंड ने, जैसे उसका कॉल बैक आता है या मैं दोबारा करूँगा तो पूछते हैं फिर कहाँ मिलेगा वो। गाड़ी देने के बाद फिर आएंगे घर, फिर छोटा सा काम है गाड़ी में, हल्का सा अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है गियर में दोबारा से तो वो चेक कराना है, देखते हैं। अभी तो फिलहाल गाड़ी देने जा रहा हूँ, गाड़ी देने के बाद देखते हैं, फिर रिपेयरिंग वाले का फ़ोन करूँगा वो आएगा। तो उसका कॉल बैक आ गया है, उसने हमें बुलाया NHPC चौक, तो मैं NHPC चौक जा रहा हूँ, मास्क लगा लिया क्योंकि रास्ते में चेकिंग हुआ था, क्योंकि ये हाईवे है चेकिंग हुआ था इसलिए मैंने मास्क लगा लिया और अभी बेल्ट भी लगा रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं इस रोड पे, इसलिए बेल्ट और मास्क लगा लो, वैसे भी लगाना चाहिए लेकिन चलो मैंने अब लगाया, कोई नहीं। मिलते हैं फिर NHPC चौक पे, भाई को गाड़ी देंगे उसके बाद दोबारा बैक टू होम, उसके बाद फिर अपने पर्सनल काम करेंगे। बाय। मैं आ गया हूँ घर, अब करेंगे नाश्ता, फिर इतनी देर में जब तक गाड़ी वाला भी आ जाएगा जब तक मैं नाश्ता करूँगा, फिर गाड़ी रिपेयरिंग करवाते उसके बाद जाएंगे कटिंग कराने। और ये मेरा नाश्ता आ चुका है, ये देखो चाय, पालक का परोठा, वाइट वाला मक्खन मेरा फेवरेट। तो फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है, अब गाड़ी वाले की वेट हो रही है, जैसे ही आता है फिर आपसे मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन से बात हो गई है, वो बस आ ही रहा है, हम गाड़ी के पास ही खड़े हैं, बस 2 मिनट पहुँचने वाला है, जैसे ही आता है फिर कराते गाड़ी ठीक, उसके बाद बताते हैं। सो इलेक्ट्रिशियन आ गए हैं, अब हो रही है गाड़ी चेक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 10 मिनट बाद पता लगेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है मेन। तो हमारी होगी गाड़ी चेक, गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें, उसने खर्चा बता दिया बहुत ज़्यादा, ये सुनते ही हमारे कान से खून निकलने लग गया, तो देखते अब क्या होगा, अभी सोच के ठीक कराएंगे। अब हम जा रहे हैं हेयर कट देने, मैं भी जा रहा हूँ, 7 बजे भी जा रहा है, इसलिए करा रहे हैं जाना ऋषि के, बाकी मेरे बाल आपको बताइए कितने बड़े हो गए, इसलिए मैं हेयर कट लेने जा रहा हूँ, मिलते हैं हम सलून के अंदर। तो फाइनली मैं कटिंग कराने आ गया हूँ, मैं इससे कटिंग कराता हूँ सन्नी, ये मेरी कटिंग करता है हमेशा, पिछले 8-9 सालों से यही सारा मेरा काम करता है। तो मिलते हैं आफ्टर हेयर कट। देखो ये दोनों भी आ गए ट्रिमिंग, और
हेयर कट लेने चारू और बल्लू, तो इन्होंने आज रात को जाना है ऋषिकेश। बड़ी मुस्कुराहट है इनके मुंह पे एक्साइटमेंट से, और मेरी ट्रिमिंग रहेगी, हेयर कट हो गया। मिलते हैं रात में, पहले सनी कराएगा, चिराग कराएगा, फिर बल्लू कराएगा। फाइनली कटिंग और ट्रिमिंग हो गई है, अब जा रहा हूँ घर, मिलते हैं शाम। गाइस ये सब जा रहे हैं ऋषिकेश, मेरा हो गया कैंसिल और सनी भी आ गया है अपने बैग लेके। ये देखो ये रे, ये पांच बंदे जा रहे हैं। ग्रीन बैग है ना? नहीं ब्लू बैग है, ब्लू बैग है, हाँ, जिसमें कुत्ते के पंजे के बने थे निशान, वाला डिजाइन है। तो मानू जी को अभी से ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, इसे कैप में पहन रखी है मानू ने पूरी। और ये पांच जने जा रहे हैं, बाटिया मानू, चारू, सन्नी और मेरा हो गया कैंसिल जाने का। चलो कोई नहीं, कोई काम पड़ गया था इसलिए कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टाइम चलेंगे अगले नेक्स्ट मंथ। फिलहाल हम एंजॉय तो कर ही रहे हैं। हाँ सही बात है। हनी आपको क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना यार, नहीं था नसीब में, नहीं जा पा रहे। बाकी गाइस जो भी जा रहे हैं हैप्पी जर्नी, और आराम से जाएं, और आराम से आए, बाबा जी चढ़ती कलाश रखन, बख्शीश बख्शन आना थे, कोई दिक्कत ना होवे इन्हां नूं, भरावां नूं, साड्यां नूं जाम क्योंकि बड़ा लग गया वा इत्थे, ऐ भरा साडा इसका मन नहीं है। सन्नी जी का मुंह बना हुआ है और चारू जी का भी मुंह बना हुआ है। सन्नी का इतना ये हंसी जो है ना, इसी ये मनीष की जो हंसी है, ये सिर्फ नकली हंसी है, हंस नहीं रहा ये। जब हंसता है तो आपको ये वीडियो दिखाएंगे, इसमें डालेंगे ब्लॉग में कि किस तरीके से हंसता है। फिलहाल ये ऐसा हंस रहा है कि इसको खोली एक बार यार, खुल नहीं रही यार। गाइस आज का ब्लॉग हुआ खत्म, मिलते हैं हम कल, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हनी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। ऐ साडा भरा आकाश काटपाल, ऐ साडा ब्लॉगर हैगा बाबा जी चढ़ती कलाश रखन भरा साडे नूं। पर एक रिक्वेस्ट है कि भरावा को हाथ जोड़ के साडे भरा नूं मारियो ना, उच्चा पचाओ। हमारे भाई को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, यो बाय गुड नाइट।